दोस्तों, दुनिया में अभी भी कई ऐसी रहस्यमय चीजें मौजूद हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। उनमें से एक है बेहद ही खतरनाक झील, जिसके पानी को छूकर हर कोई पत्थर बन जाता है। मेरी ये बात सुनकर आपको लग रहा होगा मैं किसी हॉरर स्टोरी की बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जिस झील की बात कर रही हूँ, ये झील रियल में मौजूद है, और वो भी इसी दुनिया में, जिसे नेप्चून लेक के नाम से जाना जाता है, और ये तंजानिया देश में मौजूद है। इस लेक के अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके लिए तंजानिया पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाता है। तो कभी हाथियों को भगाने के लिए मिर्च पाउडर से भरे कॉन्डोम्स का यूज किया जाता है। वही यहाँ है शेरों का एक ऐसा ग्रुप जो पेड़ों पर चढ़ने के लिए मशहूर है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि तंजानिया कितना खूबसूरत है, इस बात का अंदाजा आप इसके संग्रहालय और प्राकृतिक सुंदरता को देखकर लगा सकते हैं। तो आज हम आपको ले चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप के ईस्ट में बसे तंजानिया देश की सैर पर, और जानेंगे इस देश से जुड़े और भी दिलचस्प फैक्ट के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और हाँ, चैनल से जुड़े नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ईस्ट अफ्रीका का ये देश तंजानिया है, जिसे पहले तांगानिका के नाम से जाना जाता था। लेकिन आपको बता दूं कि तंजानिया को 1961 में यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिलने के बाद इसका नाम तंजानिया रखा गया। वर्तमान में तंजानिया को आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि तंजानिया की राजधानी दार ए सलाम है, जिसका अर्थ शांति का पैगाम है। लेकिन देश की आधिकारिक राजधानी 1974 से डोडोमा शहर है। आपको बता दें कि दार ए सलाम भूमध्य रेखा पर स्थित है, इस वजह से यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है। तंजानिया की आबादी 56.3 मिलियन के आसपास है। यहाँ की अधिकांश आबादी अश्वेत यानी काले लोगों की होती है। अगर यहाँ के धर्म की बात की जाए तो 60% लोग ईसाई, 36% लोग मुस्लिम और बाकी अन्य धर्मों में आस्था रखने वाले लोग हैं। फिर भी यहाँ के लोग हर एक धर्म को बेहद सम्मानपूर्ण दर्जा देते हैं, और न ही यहाँ जात पात को लेकर मनमुटाव होते हैं। तभी तो यहाँ पर मिलेंगे आपको गुरुद्वारे, हिंदू के सनातन मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, अनेक मस्जिद और गिरजाघर। यहाँ की आधिकारिक भाषा स्वाहिली है, जो केनिया की भी आधिकारिक भाषा है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर 120 से ज्यादा अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से अधिकांश मंटू परिवार से संबंधित है। तंजानिया की आधिकारिक करेंसी तंजानियन शिलिंग है, और सबसे हैरानी वाली बात ये है 1000 तंजानियन शिलिंग भारत के लगभग 35 रुपयों के बराबर होते हैं। तंजानिया में लगभग 38% भूमि वन्य जीवों के लिए पार्क, भंडार और संरक्षण क्षेत्रों के लिए समर्पित है। पर क्या आप जानते हैं, ये 38% भूमि लगभग जर्मनी देश के आकार के बराबर है। इसके अलावा आपको बता दें कि दुनिया में प्रति वर्ग किलोमीटर जानवरों की सबसे बड़ी आबादी यहीं पर पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ दुनिया में जानवरों की सबसे अधिक सघनता पाई जाती है। तंजानिया में शेरों की प्रजाति का एक दुर्लभ समूह है, जो पेड़ों पर चढ़ सकता है। हालांकि ये कैसे संभव है, इसके बारे में अभी तक कोई उचित कारण नहीं बताया गया, और ये शेर आमतौर पर सेरेंगेटी और मनियारा पार्क में पाए जाते हैं। तंजानिया से गोरोंगोरो नेशनल पार्क जाया जा सकता है, जहां जिराफ, तेंदुए, शेर, हाथी, शुतुरमुर्ग और जेब्रा जैसे अलग अलग प्रजातियों के वन्य प्राणियों को देखने लोग यूरोप और अमेरिका से यहां आते हैं, और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जानवरों को देखने का लुत्फ उठाते हैं। अब बात हाथी की आई है तो आपको बता दूं, यहाँ खेतों में भटकने वाले हाथियों को भगाने का एक बड़ा अजीब तरीका अपनाया जाता है। लोग हाथियों पर मिर्च पाउडर से भरे कॉन्डोम फेंकते हैं। अब लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ, अगर आप में से किसी को मालूम है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वहीं तंजानिया में एक बेहद खतरनाक नेट्रेड लेक है, और माना जाता है कि इस झील के पानी को जो भी छूता है वो पत्थर का बन जाता है, और शायद इसीलिए इस झील के काफी दूर तक भी कोई आबादी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि इस झील के आसपास पशु पक्षियों की कई पत्थर की मूर्तियां मौजूद हैं। ऐसे में लोगों के बीच इसके रहस्यमय पानी को लेकर कई बातें हैं। कुछ लोग इसे जादुई पानी मानते हैं। तंजानिया में मौजूद जांजीबार एक बहुत ही खूबसूरत टापू है, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और अपनी प्राकृतिक छटा और सुंदरता के कारण अफ्रीका के सबसे ज्यादा पर्यटक इसे ही यहाँ देखने आते हैं।
वहीं एक और तंजानिया की संपूर्ण आबादी का 40% लोग गरीबी में निवास करते हैं और इस गरीबी के प्रमुख कारणों में एक है शहरीकरण की धीमी गति। 80% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जहां बिजली, स्वच्छता सुविधा और शिक्षा जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं का अभाव है। तो ये थी तंजानिया से जुड़ी कुछ अननोन मिस्टीरियस फैक्ट्स। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।